29वें के चांद के दीदार के लिए शाम से ही आसमान में लोगों की निगाहें टिकी रहीं। हर कोई अपने छत पर चांद के दीदार को बेकरार रहा। गोरखपुर में मंगलवार को रात लगभग 8:30 बजे के बाद चांद दिख गया। लोग खुशी से झूम उठे। मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया। जामा मस्जिद के इमाम अब्दुल जलील अहमद मजाहरी ने 29वीं का चांद होने की तस्दीक कर बुधवार को ईद का त्यौहार मनाने का ऐलान किया, लिहाजा बुधवार को ही ईद मनाई जाएगी। इस खबर के बाद पूरे गोरखपुर में चांद के दीदार करने के लिए ऊंची ऊंची इमारतों पर चांद देखने के लिए मुस्लिम धर्मावलंबियों की भीड़ जमा हो गई। सभी लोग एक दूसरे को ईद की बधाई देने लगे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जामा मस्जिद के इमाम अब्दुल जलील अहमद मजाहरी ने बताया, गोरखपुर सत्य है उसने इसका नाम है अंदर से बाहर से मैं अब्दुल जलील अल-मज़ाहरी बहैसियत इमाम जामा मस्जिद उर्दू बाज़ार गोरखपुर तस्दीक करता हूँ कि आज मुअर्रख़ा 4 जून बरोज़ मंगल को ईदुल्फ़ित्र का चांद गोरखपुर में देखा गया। इस लिहाज से इंशाअल्लाह ताला कल 5 जून बरोज़ बुध 2019 को ईदुल्फ़ित्र है। आप सभी बिरादरान वतन को ईद मुबारक हो।